इस बीच एक और बड़ी खबर है। अतीक के वकील खान सौलत हनीफ की पेशी आज होने जा रही है। सीजीएम कोर्ट ने खान सौलत हनीफ को जेल से तलब किया है। पुलिस ने खान सौलत हनीफ के 7 दिनों की कस्टडी मांगी है। उमेश पाल शूट आउट केस में खान सौलत हनीफ भी आरोपी है। उमेश पाल शूट आउट में षड्यंत्र रचने का आरोपी है सौलत हनीफ। आरोप है कि सौलत के कहने पर उसके बेटे ने अपने मोबाइल फोन से अतीक के बेटे असद को उमेश पाल की फोटो भेजी थी। इसके अलावा उमेश पाल की हर गतिविधि की जानकारी देने का भी आरोप है। कस्टडी रिमांड मंजूर होने के बाद पुलिस खान सौलत हनीफ से पूछताछ करेगी। तमाम सवाल जवाब उसके बाद किए जाएंगे। प्रयागराज से ये बड़ी खबर है। अतीक अहमद के परिवार के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हुई है। जेल में बंद अतीक के 2 बेटों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है। बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने प्रयागराज के खुल्दाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। उमर और अली अहमद के खिलाफ अपहरण, रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। करीबी असाद कालिया, एहतराम करीम नुसरत और अजय के खिलाफ भी यहां पर एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में कहा गया कि 15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी नहीं देने पर अपहरण कराने, जान से मारने की धमकी देने और 1,20,00,000 रुपए की रंगदारी मांगी गई है। हालांकि शिकायतकर्ता बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम भी अतीक गैंग का मेंबर है और उसके खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज है। आपको बता दें कि पिछले दिनों मोहम्मद मुस्लिम और अतीक के बेटे असद की बातचीत का ऑडियो भी सामने आया था, लेकिन यह इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम की तरफ से प्रयागराज में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस खबर पर मेरे सहयोगी मोहम्मद मोइन मेरे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। मोइन, बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम जो कि अतीक अहमद का गैंग का ही मेंबर था, उसने परिवार के खिलाफ, अतीक के परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, क्या है इस एफआईआर में? देखिए माफिया, अतीक अहमद की मौत के बाद भी उसके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कभी अतीक अहमद का बेहद करीबी रहा बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम, जो कि अब प्रयागराज के लखनऊ शिफ्ट हो चुका है। उसने प्रयागराज के खुल्दाबाद थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई है। कहा यह है कि कुछ सालों पहले अतीक अहमद के 2 बेटों के कहने पर उसके जो करीबी थे, जिसमें अतीक अहमद का सरकारी गनर एहतसाम था, बेहद करीबी आसाद कालिया था, 2 अन्य लोग थे, इन लोगों ने उसका अपहरण कराया, 15 लाख रुपए की प्रॉपर्टी दिए जाने का दबाव बनाया और जब उसने अपनी मजबूरी बताई तो उससे 1,20,00,000 रुपए की रंगदारी वसूली गई। बाकी पैसे बाद में दिए जाने की बात कही गई थी। उसकी तरफ से ये भी कहा गया है कि उस वक्त वो डरा हुआ था, इसलिए उसने एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। अब वो इस मामले में कार्रवाई करना चाहता है। तो मोहम्मद मुस्लिम की अर्जी पर प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर, जो कि लखनऊ जेल में बंद है, इसके साथ साथ दूसरे नंबर के बेटे अली अहमद, जो कि प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है, समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। अपहरण, रंगदारी मांगने के मामले में, मारपीट करने के मामले में, धमकी दिए जाने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो पहले से ही जेल में हैं, जैसे अतीक अहमद के 2 बेटे जेल में हैं, इसके साथ साथ आसाद कालिया जेल में है, जो एहतशाम नाम का अतीक अहमद का सरकारी गनर था वो फरार चल रहा है, जो 2 अन्य लोग हैं वो फरार चल रहे हैं। तो प्रयागराज पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच की जाएगी और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। जल्दी जो बचे हुए लोग हैं उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। इस तरीके का दावा प्रयागराज पुलिस के अफसरों ने किया हुआ है। क्योंकि मोइन, इस एफआईआर में जो नाम है उन पर, हालांकि पहले से वो जेल में बंद है, कार्रवाई लगातार उन पर जारी है। बहुत शुक्रिया मोइन तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस वक्त बड़कोट से खबर सामने आ रही है। यमुना घाटी में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। चपताड़ी बनचान गांव में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों ने मुआवजे की यहां पर मांग की है, क्योंकि भारी नुकसान किसानों की फसलों को पहुंचा है। जिस तरीके से बेमौसम बारिश हो रही है, ओलावृष्टि यमुना घाटी में लगातार हो रही है, तस्वीर आपके सामने है। और इसी ओलावृष्टि की वजह से फसलों को बेहद नुकसान यहां पर पहुंच रहा है, किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ है। ऐसे में किसानों की तरफ से मुआवजे की मांग की जा रही है। चपताड़ी में बनचान गांव में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, लगातार यहां पर ओलावृष्टि हो रही है। ये तस्वीर आप देखिए, बेमौसम यहां पर बरसात हो रही है लगातार, इससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।